सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन 11 अप्रैल 2021 राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले के जन्म दिवस पर देश भारत के सभी समता मानवता विज्ञानवादी लोगों को तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब के अनुयायियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। दुनिया में बहुत लोग पैदा हुए हैं इस आंदोलन में। तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा ये बहुत बड़ी विचारधारा है, बहुत बड़ा दर्शन है। इस विचारधारा में हजारों लाखों लोगों ने जन्म लिया है, जिन्होंने जन्म लेकर मानवता समता भाईचारा प्रेम सद्भाव के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन लगा दिया। उसी तरह इस आंदोलन में हम सबके मसीहा बाबा साहब के सामाजिक गुरु ज्योतिबा राव फुले भी आए और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में और कुरीतियां अंधविश्वास को मिटाने के क्षेत्र में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। और आज पूरे देश भारत के बहुजनों के विज्ञानवादी समतावादी लोगों के मन मस्तिष्क पर उनकी आज भी छवि छाई हुई है। हम अपील करते हैं कि आप सभी लोग अपने बुद्ध विहारों में, अम्बेडकर पार्कों में, सामाजिक स्थलों में बहुत छोटी संख्या के साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले की जयंती को सेलिब्रेट करें और उस दिन प्रतिज्ञा करें कि हम उनकी विचारधारा, उनके दर्शन, उनकी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जीवन की आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे और उनके दर्शन विचारधारा को आगे तक ले जाते रहेंगे। हालांकि देश भारत में बहुत लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले अनूठे हैं। इसलिए वो अनूठे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा की मसाल जलाई। उन्हें नहीं पता था कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, अल्पजनों की व्यवस्था में एक चौथे पायदान के व्यक्ति हैं। जब वो एक ब्राह्मण अल्पजन की शादी में चले जाते हैं, उनका अपमान हो जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि आखिर मेरा सही मायने में समाज कौन है और आखिर उस समाज की भलाई के लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए। उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिली और उन्होंने उस बात को अपने जीवन में धारण किया और शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करके दिखाया। हालांकि उनके कोई व्यक्तिगत संतान नहीं थी, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया सावित्री के कहने पर और उस बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया। एक बहुत बड़ी बात है जो उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वो ये है, आज दिन तक जितने भी पिता इस भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन ज्योतिबा एक अनूठे पिता हैं। उन्होंने वसीयत लिखी और वसीयत में लिखा यशवंत राव मेरा बेटा है, लेकिन अगर मेरा बेटा सत्य शोधक समाज के द्वारा निर्धारित नियम कानून के हिसाब से, आचार विनय के अनुसार अगर वो कार्य नहीं करता है, तो मैं सत्य शोधक समाज के सदस्यों को अधिकार देता हूं कि मेरे बेटे को मेरी संपत्ति से बहिष्कृत कर दिया जाए। अर्थात इतना बड़ा निर्णय आज दिन तक कोई दूसरा पिता नहीं ले पाया और उन्होंने बहुत बड़ा बुद्ध के आंदोलन के लिए कार्य किया है। इसलिए हम सब चाहते हैं, आप सब भी चाहते हैं कि उनके जन्मदिन को बेहतर मनाया जाए और शिक्षाएं लेकर, प्रण लेकर, संकल्प लेकर उनके आंदोलन को आगे तक ले जाया जाए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद।